जो जिद्दी है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन को क्लिक करें। कितना बुरा लगता है जब बादल हो और बारिश ना हो, जब आंखें हो और ख्वाब ना हो, जब कोई अपना हो और कोई पास ना हो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि इंसान को इन 10 व्यक्तियों के घर में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, वरना उसको मिलता है धोखा और विश्वासघात, और फिर बाद में वो परेशान होता है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। दोस्तों, यहाँ इस वीडियो के अंदर आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि इन 10 लोगों के साथ आपको एक तरीके से कभी भी कोई भी आदान प्रदान या फिर बिजनेस या फिर व्यापार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी दोस्ती आपको पड़ सकती है महंगी, और ये ऐसे लोग आपको अक्सर जिंदगी में नुकसान ही देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको स्टोरी सुनाऊंगा, एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है एक महत्वाकांक्षी लड़के की, जिसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और कैसे वो किसी को अब इतना पसंद करता है और उसके अधीन होता है और उसके बाद विश्वासघात पाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। ध्रुव की स्टोरी सुनाऊंगा। ध्रुव नाम का लड़का होता है। दोस्तों, उसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई होती हैं, मगर जब उसकी आंख लड़ जाती है एक जेनिफर नाम की अंग्रेजन लड़की से, वो बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है, यार मेरे सारे दोस्त नॉर्मल सी लड़कियों को डेट कर रहे हैं, मेरी लाइफ में जेनिफर जैसी सुंदर अंग्रेजन है। वो इतना खुश हो जाता है, अपने दोस्तों को बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है जेनिफर। अब वो उसके घर पर कभी कभार रुकता भी था, खाना भी खाता था, और अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा डींगे हांगता था, देखो मेरी लाइफ में कितनी सुंदर लड़की, इतनी गोरी, हाथ लगाओ तो गंदी हो जाए, इतनी सुंदर अंग्रेजन, इंग्लिश में बात करती है, हिंदी में तो बात ही नहीं करती वो, और वो बहुत खुश था। वेयर एज उसके दोस्तों की भी गर्लफ्रेंड थी, कुछ की शादी हो चुकी थी, मगर वो सबको समझता था कि वो सबसे सुपीरियर है और इतना हैंडसम है वो कि उससे अंग्रेजन पटी हुई है। दोस्तों, एक तरीके से वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था। अब लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, वो जेनिफर के साथ ही रहता था और दिन में वो काफ़ी टाइम स्पेंड करता था, मगर एक कड़वा सत्य जो अपने दोस्तों को कभी नहीं बताता था वो ये था कि हमेशा हर चीज़ पे वो खर्चा करता था, और जेनिफर कई बार उससे उधार लेती रहती थी पैसे, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 25,000, और ये सब वो उसे उधार देता भी था। वो जॉब करता था ध्रुव, और जेनिफर को कई बार उधार पैसे देता था। वो हर बार उसे बोलती थी कि आई रिटर्न यू बैक, डोंट वरी हनी, डोंट वरी बेबी। वो उसकी अंग्रेजी सुन के खुश हो जाता था कि यार कितनी ज़बरदस्त लड़की पड़ गई, मैं इससे शादी करूंगा। इतना सीरियस हो जाता था उसके लिए कि मैं अब इससे शादी करूंगा। उसने अपने घर वालों को भी बता दिया था कि मैं जेनिफर से शादी करूंगा, मगर कड़वा सत्य ये था कि जेनिफर ने कभी उससे शादी के लिए बोला ही नहीं, बट बस ये बोला था आई लव यू बेबी, बस। दोस्तों, इसी प्रकार ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, उसने देखा कि जेनिफर के अंदर कुछ गलत हरकतें भी हैं, उसके दोस्त भी हैं जो उसके साथ वो रात को पार्टी करती है और कभी भी अपना फ़ोन नहीं दिखाती, और ऐसी मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमेशा ध्रुव को लगती थी कि यार ये चीज़ गलत है, ये मुझसे उधार भी लेती है, कभी वापस नहीं करती। और एक चीज़ जिसके सबसे बड़ी कमी थी, वो दूसरों की बुराइयाँ बहुत करती थी, अपने किसी दोस्त की या फिर अपने बॉस की जहाँ वो काम करती थी, और इनफैक्ट वो ध्रुव को बोलती थी कि वो यहाँ काम करती है, ऐसे काम करती है, तो ध्रुव सोचता था कि ठीक है चलो, मगर वो हर किसी की बुराइयाँ करती थी। कई बार ध्रुव को लगता था कि पीठ पीछे कहीं वो उसकी बुराई तो नहीं करती। ऐसी परिस्थिति में कई बार जब ध्रुव के ऊपर उधार हो गया, एक दिन ध्रुव ने सोचा, यार मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वो उससे फ़ोन मांगता है, कहता है मेरे को फ़ोन दो, मेरे को कॉल करनी है, और जेनिफर मुँह पर मना कर देती है, नहीं मैं फ़ोन नहीं दे सकती। ध्रुव को थोड़ा अटपटा लगता है, वो कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना सीरियस हूँ, ये फ़ोन भी मैंने ही तुम्हें दिलाया है 50-60 हज़ार का, तुम मेरे को एक मिनट कॉल कहती, नहीं नहीं नहीं। और उसने एक बार ये भी नोटिस करा कि जेनिफर चुपके चुपके कभी कभार किससे बात करने के लिए साइड में दूसरे कमरे में जाती है, उसको थोड़ा सा शक हुआ। अब एक दिन ध्रुव ने इंटेंशनली रात को अपना फ़ोन वहीं छोड़ दिया, कॉल चालू रखकर। ध्रुव घर गया, सोचा चलो देखता हूँ। अब ध्रुव ने फ़ोन पे कान फोन लगा के रखा, उसने देखा यार 4-5 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। उसे लगा यार वो बेकार में शक कर रहा है, इतनी अच्छी लड़की है, क्या शक करने की ज़रूरत है, और उसने सोचा फ़ोन काट देता हूँ। इतने में उसने देखा, उसने सुना एक्चुअली कि जेनिफर हिंदी में बोल रही है, अरे वो तो बेवकूफ़ सा लड़का है ध्रुव, मेरे पीछे पड़ा, उसी का पैसा तो मैं लूटती रहती हूँ। इस किस्म की उसने भाषा सुनी और देसी लैंग्वेज में एकदम। ध्रुव तो हिल गया, यार ये कैसे हो सकता है, ये तो इंग्लिश बोला करती थी सिर्फ, इतनी सोफिस्टिकेटेड, इतनी एलिगेंट, इतनी अच्छी लड़की।
असली में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, वो भी अंग्रेज था, वो उसके साथ थी और उसे बोल रही थी कि ध्रुव से मैं रोज पैसे लूटती हूँ। इनफैक्ट उसका बॉयफ्रेंड उससे लुटवाता था ये सब चीज़ें, वो करवाता था ये काम और वो करती थी खुशी खुशी। वो ध्रुव को बेसिकली यूज़ कर रही थी, उसके क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रही थी, उसका पैसा यूज़ कर रही थी उसे घुमाने फिराने के। इनफैक्ट उसने ध्रुव से गाड़ी भी ली हुई थी जिसको वो डेली चला के घुमाया करती थी। ध्रुव सब समझ गया। अब उसे पता लग गया कि यार मैं जिसके साथ रहने के लिए, जिसके घर में खाना खाता था, जिसको अपना समझता था, वो एक तरीके से मेरे से इनडायरेक्टली फ़ायदा उठा रहा है। और मैं सोचता था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मेरे साथ रहेगा, वेरास जो मेरे दोस्त हैं जिनकी गर्लफ्रेंड ज़्यादा सुंदर नहीं है मगर वो उनके लिए खाना बना के लाती है, कभी भिंडी की सब्जी है कभी गोभी की सब्जी है, कभी वो ऑफिस के लेट हो जाते हैं तो पीछे से अपने ऑफिस जाते रहते, उसके दोस्तों की गर्लफ्रेंड उसके घर में उसके ऑफिस में खाना छोड़ के चली जाती हैं, वेरास जेनिफर उसका रात को फ़ोन तक नहीं उठाती है। क्या फ़ायदा ऐसी सुंदरता का, क्या फ़ायदा दिन में थोड़ा बहुत घर पे खाना खा लिया, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, उसका क्या फ़ायदा, उसका हर जाना कितना भुगतना पड़ रहा है। ये ध्रुव को बर्दाश्त, ये ध्रुव को समझ आना शुरू हो गया। अब ध्रुव ने कसम खा ली कि कैसे ना कैसे करके मैं अपने सारे पैसे वापस निकलवाऊंगा। उसने जेनिफर को बोला, जेनिफर एक स्कीम आई है, तुम वो स्कीम ले लो, मेरे ऑफिस में आई है, तुम्हें मैं 5-6 लाख का चेक दिलवा दूंगा, बाद में तुमसे बाद में ले लूंगा। और जेनिफर ने सोचा चलो एक बारी में इसको अच्छे से इसको काट देती हूँ, इससे 5-6 लाख रुपए ले लूँगी, एक बारी में इसको अच्छे से सुधार देती हूँ। उसने कहा ठीक है हाँ ठीक है। अब उस दिन ध्रुव ने जेनिफर को बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ काम है, और पीछे से उसने बोला कि जेनिफर मेरा एक दोस्त आया उसको 1 लाख रुपये दे दो तुम जो मैंने तुम्हें दिए थे, और साथ में कुछ और तुम्हारे पास अगर कुछ कैश हो तो वो भी दे दो, और ये तुम्हें चेक दे जाएगा, तुम उस चेक को ले लेना, 7-8 लाख का चेक है तुम्हें मिल जाएगा, तुम उसे आराम से पैसे करा लेना, मैं बाद में तुमसे ले लूँगा, और तुम्हारे पास मेरे पास एक ही बात है बेबी, क्या दिक्कत है। जेनिफर ने सोचा चलो ठीक है ले लेती हूँ। उसने 1 लाख रुपये उसके ध्रुव के दोस्त को दे दिए, ध्रुव ने अपनी जेब में डाले, फ़ोन स्विच ऑफ करे और जय राम जी की। अपने जितने पैसे रिकवर कर सकता था उसने कोशिश करके रिकवर करा। जिंदगी में कभी किसी के घर में ऐसे घर में भोजन नहीं खाया जिस घर में उसी को लूटा जा रहा है। दोस्तों अब बात करूंगा आचार्य चाणक्य जी ने कौन से ऐसे 10 लोग बोले जिनसे आपको, जिनके साथ कभी भी, जिनके घर पे भोजन नहीं खाना चाहिए। भोजन ना खाने का मतलब है उनसे कोई एहसान नहीं लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले वो इंसान जो आपको ब्याज दे और डबल इंटरेस्ट पे आपको ब्याज दे, या फिर आपके ऊपर एहसान करे और दुनिया को बताए, आप ऐसे इंसान के घर में भोजन खाएंगे, हो सकता है वो आपको किसी बड़े पचड़े में फंसा दे और बाद में आपको लाइफ में नुकसान हो जाए। इसलिए ऐसा काम कभी मत करे जैसे ध्रुव के साथ हुआ जेनिफर के केस में। दोस्तों अपराधी और चोर प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ भी कभी भी उसके साथ भोजन ना करें, हो सकता है आप भी फंस जाएं। जैसे जेनिफर इसकी टोपी उसके सर करती थी, इसी प्रकार आप भी फंस जाएं किसी के मीठी मीठी बातों में, प्यारे प्यारे चेहरे में, ऐसा काम कभी भी मत करें। दोस्तों तीसरा व्यक्ति वो होता है जो किसको क्रोध बहुत आता है। दोस्तों जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो सही और गलत में कभी भी डिफरेंस नहीं कर पाता, और वो ऐसा व्यक्ति जो बोल रहा होता है और जो कर रहा होता है वो अक्सर नुकसानदेह होता है। दोस्तों इसके बाद आता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बीमार हो, हो सकता है उसका संक्रमण आपको फैल जाए, हो सकता है उसकी बीमारी आपको फैल जाए, इसलिए ऐसा काम कभी भी मत करें। दोस्तों इसके बाद आता है चरित्रहीन इंसान, जिस इंसान का करैक्टर अच्छा नहीं है, जो किसी एक का नहीं है, जो औरत किसी एक की नहीं है, जो आदमी किसी एक का नहीं है, वो किसी का भी नहीं हो सकता। जब आपको पता लग जाए कि वो सबकी बुराई करता है, सबके साथ गलत करता है, जैसे कि जेनिफर सबकी बुराई करती थी, अपने बॉस की बुराई करती थी, ऐसे इंसान के साथ कभी भी खाना ना खाएं, घूमें ना, फिरें ना, वरना आपको ऐसे लोग भिखारी भी बना सकते हैं। दोस्तों छठे नंबर पे आती है निंदा करने वाले लोग, जो बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहिए। वो आपकी छोड़ो, किसी और की छोड़ो, सारी दुनिया की सिर्फ निंदा करते हैं, और ऐसे लोग किसी के भी सगे नहीं होते। जो लोग चुगलखोर हों, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, हो सकता है आप ऐसे किसी इंसान के साथ खाना खाएं और आपकी सारी बातें, सारे राज वो किसी और को बता दे, तो क्या फ़ायदा ऐसी दोस्ती का, ऐसे मित्रता का, ऐसे भोजन करने का। दोस्तों इसके बाद अंत में जो चीज़ आती है वो नशे में चूर व्यक्ति, जो नशा करता हो, ऐसे इंसान के साथ भी आपको कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, ना उसके घर पे रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको अक्सर नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको हर्ट कर सकते हैं, आपके साथ गलत कर सकते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी खाना ना खाएं। दोस्तों अंत में आपसे एक ही बात कहूँगा, रहा होगा प्यार अंधा किसी ज़माने में, अब तो प्यार भी
पैसा निहार लेता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपको मूर्ख बनाने आएंगी, लड़कियां भी हो सकती हैं कि लड़कियों के साथ लड़के हो सकते हैं जो लड़के मूर्ख बनाने आएंगे। हर कोई दूसरे को इस्तेमाल कर रहा है सोच समझ के। जिसके साथ आपको रहना है उसके साथ सोच समझ कर जाइए। बहुत ईजी है किसी चलाक इंसान को पहचानना, कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है बहुत ईजी है। जो कहते हैं ना बहुत मुश्किल होता है, हम पहचान नहीं पाते। दोस्तों अपने आप से कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए, दिमाग से चलिए, हर चीज़ दिमाग से सोच कर करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।